यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं मेरी सैनिक मोहम्मद वकील साहब। उसके दिल पर भी कई इश्कों में गुजरी होगी जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना।
बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बोलना चाहेंगी फगुनवा में अंग अंग रस बरसे और वे सोने दिया कंगना वे सौदा इश्क दिया। अभी तो बॉस ही आ गए एकदम। फोक के तुरंत बाद इस तरीके से आप मुझे दूसरे एक प्लेनेट पे ले गए, सूफी प्लेनेट पे, और राग इतनी आपने इस तरह से सुर लगाए भैरवी के, बहुत बहुत खूबसूरत। मोहम्मद वकील जयपुर के हैं और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूं, और आज आपने बहुत खूबसूरत गाया। जी 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 बहुत खूबसूरत जी। आनंद भाई, मैंने कल के एपिसोड में एक बात कही थी जी कि फिल्म मिल जाती है बॉलीवुड में, महफिल नहीं मिलती। ये बात यकीनन आज फिर मैं महसूस कर रहा हूँ कि इबादती रंग था, कहीं एक ट्रांस में ले गए थे आप इस कॉम्पोजिशन से। अब बार बार जब अनु जी बोलते हैं ये जंग है, ये जंग है, यहाँ तो मोहब्बत के, मतलब ऐसा लगता है मोहब्बत के फरिश्ते आए हुए हैं, यहाँ कहाँ जंग हो सकती है। मैं आप जब गा रहे थे तो मैं लिख रहा था आपके लिए अनु जी कि जंग की उमंग तेरे दिल में है जी, पर हमको तो मोहब्बत आती है। हाँ हाँ हाँ, जंग की उमंग तेरे दिल में है पर हमको तो मोहब्बत आती है, रंगीन तबीयत वाले हैं लड़ने की अदा नहीं भाती है। जी राहत भाई जी, मैं मोहम्मद वकील के लिए ये कहूँगा, इन्होंने जिस तरह से हमें भैरवी की एक अलग सैर करवाई है, सुभान अल्लाह, एक दो अंग जो हैं वो दिल में उतर गए, रूह में उतर गए, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये दुआओं का काम है, इबादत है। संगीत जैसा आनंद साहब ने फरमाया कि ये तो एक इबादत है, जितना करो उतना कम है। किसी के हिस्से में मकान आ गया, किसी के हिस्से में दुकान आ गई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आ गई। वाह वाह वाह, अरे क्या कहें। वकील साहब बहुत अच्छा गाया है। जब भी मैं मेहरबान दोस्त, जब हम भी जिक्र करते हैं कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, तो वो अरेबिया का एक जगह थी, सऊदी अरेबिया की नजद, वहां पर एक बच्चा था जिसका नाम था कैस बिन आमरी, जिसको सारी दुनिया, सारी कायनात कैस मजनू के नाम से जानती। मजनू का लिटरल मीनिंग है पागल, दीवाना। और वो अमीर सरवर की बेटी थी लैला, एक स्याह फार्म थी, एक काली सी लड़की थी जिसके ऊपर इस खूबसूरत नौजवान का मन आ गया था। और जब तक ये जिंदगी, ये दुनिया रहेगी और मोहब्बत की बात चलेगी, लैला मजनू का नाम आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अमिट यादगार बन के, लव का सिंबल बन के आ गई है। एक दिन लैला पूछ बैठी मजनू से कि मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, और मजनू ने सिर्फ कहा, लैला ना मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैस हूं और तुझ में खुदा देख रहा हूं। लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैस हूं और तुझ में खुदा देख रहा हूं। तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं। लैला ने मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैस हूं और तुझ में खुदा देख रहा हूं। तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं। तो संभल के बैठना ऐ हुस्न लैला देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। वाह वाह, संभल के बैठना ऐ हुस्न लैला देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखे हजरत यूसुफ, करे फिर फैसला हुस्न जुलेखा देखने वाले। और हुआ ही चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। वाह वाह वाह।